ओके भाई लोग, तो नेटफ्लिक्स से आज एक पिक्चर को रिलीज किया गया जिसे देख के मजा तो आया, बट स्टोरी ने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। क्यों बताता हूँ, तो सारी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना। तो जिस पिक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, इस पिक्चर का नाम 60 मिनट, जैसा नाम वैसा काम। इस पिक्चर का नाम 60 मिनट क्यों रखा गया ये आप इस पिक्चर को देख के समझ जाओगे। बाकी इस पिक्चर को देखने के लिए आपको सिर्फ 1.5 घंटे का वक्त देना है। ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। हिंदी डबिंग काफी अच्छी की है नेटफ्लिक्स वालों ने। तो अगर तुम फैमिली के साथ मूवीज एंड सीरीज देखते हो तो इस मूवी को मत देखना, क्योंकि इसमें कुछ गंदा देखने को तो नहीं मिलेगा, बट आपको भर भर के गालियां सुनने को जरूर मिल जाएगी। बाकी इस मूवी में कहानी क्या देखने को मिलती है उस पे बात कर लेते हैं। तो इस मूवी में ऑक्टा नाम की एक फाइटर की स्टोरी दिखाई गई है, जो अपनी बच्ची से बहुत ज्यादा प्यार करता है, बट अपनी बच्ची को टाइम नहीं दे पाता, हमेशा दूर ही रहता है अपनी बेटी से। अब ऐसे में एक इंपॉर्टेंट फाइट इसकी होने जा रही होती है, उसी वक्त इसके एक्स का कॉल आता है। वो बोलती है इसे कि अगर तुम आज 6 बजे तक अपनी बेटी से मिलने नहीं आए तो फिर अपनी बेटी की कस्टडी मैं तुमसे छीन लूंगी। इतना सुनने के बाद ऑक्टा, जिसकी इंपॉर्टेंट फाइट होने जा रही होती है, वो वहां से उस इंपॉर्टेंट फाइट को छोड़ के भाई अपनी घड़ी में 60 मिनट का टाइम सेट करता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। उसके बाद उस फाइट में जितने भी लोग पैसे लगाए होते हैं वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब ऑक्टा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी बच्ची या वो फाइट, यही जानने के लिए तुम्हें इस फिल्म को देखना है। अब जो टाइम सेट किया इसने अपनी बच्ची तक पहुंचने के लिए, उस टाइम के अंतराल क्या ये अपनी बच्ची से मिल पाएगा, और उस बीच कौन कौन से लोग इसके रास्ते का रोड़ा बनेंगे, यही सब जानने के लिए तुम्हें इस फिल्म को देखना है। अभी फिल्म हैंड टू हैंड फाइट सीन्स के नाम पे अपना माल बेच रही है, और अगर तुम्हें हैंड टू हैंड फाइट सीन्स देखना पसंद है तो फिर ये मूवी सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि इस फिल्म में जो फाइट सीन्स दिखाया गया वो काफी कमाल के कोरियोग्राफ किए गए हैं, और जिस तरह से हर फाइट सीन्स में कैमरे एंगल को यूज किया गया वो भी काफी लाजवाब था। अभी इस मूवी में हर 10-15 मिनट में तुम्हें एक फाइट सीन्स तो जरूर देखने को मिल जाएगी, जिस वजह से तुम इस फिल्म से इंगेज रहोगे। बाकी इस मूवी में दिखाए गए 2 जगह के फाइट सीन्स मुझे काफी ज्यादा हार्ड हिट किया। एक बार में एक फाइटर के साथ फाइट होती है, वो वाला फाइट सीन्स काफी ज्यादा मस्त था, और फिर दूसरा लास्ट वाला फाइट सीन, इस बंदे ने ऑक्टा के ऊपर पैसे लगाए थे उसके साथ जो फाइट होती है वो भी काफी कमाल था। और हाँ, इस मूवी में कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे पसंद नहीं आई, जैसे हर 10 मिनट में शुद्ध शाकाहारी गालियां सुनने को आपको मिल जाएगी। दूसरा, इसकी स्टोरी मुझे जरा भी पसंद नहीं आई। इस मूवी में जो इतना सारा तामझाम हुआ सब बस एक छोटा सा रीजन की वजह से हुआ। जो भी हो, तुम्हें अगर हैंड टू हैंड फाइट सीन देखना पसंद है तो फिर तुम इस मूवी को एक चांस दे सकते हो। इस मूवी को जाकर नेटफ्लिक्स पे देखो, ये मूवी तुम्हें एंटरटेन जरूर करेगी।